हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हैं द सागर अली यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मेरा दोस्त जवाद अहमद है और आज हम आए हैं यहां पर सिम्पा पे ऐसे ही कुछ दोस्तों से मिलने। भाई तू आया है दोस्तों से मिलने, मेरा तो यहां पर एडमिशन है। और चलो ये भी ठीक है, एडमिशन ही है, पढ़ते हैं हम वहाँ पर, पढ़ाते हैं। हमारे दोस्त हैं जिनसे मिलने आए हैं, तो भाई आपको आज मिलाएंगे। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो सिंध की बहुत बड़ी बड़ी, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनसे मिलाएंगे आपको। सो ये रहा सिम्पा। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट की तस्वीरें, जो कि लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, सबकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं ताकि हमारे कोर्ट्स में इनका भी इजाफा हो सके। सिम्पा के एंट्रेंस के पहले ही, पहले गेट के बाद ही आती है क्लास, पहली क्लास जो कि मैडम आफ्ता परवीन के नाम से क्लास है, और उसके बिल्कुल अपोजिट में आती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का व्यू आपको दिखा देते हैं, जो मेरे पीछे है बिल्कुल ये सामने ही आप लाइब्रेरी देख रहे हैं। सो लाइब्रेरी में नॉइस पोल्यूशन नहीं करते, तो हम चलते हैं बाहर, आपको आगे सिम्पा घुमाते हैं हम। थिएटर में बहुत पसंद आता है थिएटर, हमने भी सीखा था 2-3 महीने, और उसके बाद पता नहीं कोरोना हो गया है, कोविड हो गया और बंद हो गया, उसके बाद आज हम दीदार करने जा रहे हैं थिएटर का। तो ये है थिएटर, थिएटर हॉल, और यहाँ पर हमने बहुत ही मतलब प्ले वगैरह किया है थिएटर में, अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली हमने और जवाब म्यूजिक की इंडक्शन क्लास यहाँ पर होती है। अच्छा, तो थिएटर को म्यूजिक स्टूडियो बना दिया है। सिंगर्स वगैरह जो भी थे, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज जिन जिन से अभी आप मिले, ये सब यहाँ पर बैठे होते हैं चेयर्स पे। और द लेजेंडरी सर नसीर मिर्जा, जो के एक्स डायरेक्टर ऑफ रेडियो पाकिस्तान, और उस्ताद शफी फकीर, जो के सिंध के बहुत बड़े नाम है, उनका भी बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ पर बैठ के राइस पे हमें लेक्चर देते हैं म्यूजिक के बारे में, जो कि BPS 14 जॉब्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी 3 महीने की। उसके बाद हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं, यहाँ पर मैंने भी अप्लाई किया था जॉब के लिए, तो हम सिलेक्ट हो गए। अब हमारी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह हमारे अपॉइंटमेंट्स होंगी, तो यहाँ पर अभी ट्रेनिंग मिलती है थिएटर हॉल में। Thank you.
जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर की मौसम बिल्कुल मतलब A1, बरसात हो रही है और आईफोन भीग रही है, हम भी भीग रहे हैं थोड़े बहुत। और आज हमने पहना है ब्लैक, हमने डिसाइड किया था ब्लैक, और ये मैंने ब्लैक क्लोथ्स पहने हैं 6 सालों के बाद, मुबारक हो मुझे। ये देखो तो अभी हम जा रहे हैं अंदर दोस्तों से मिलने और दोस्तों से, क्योंकि अभी हम भीग रहे हैं क्योंकि बरसात कुछ ज्यादा ही हो रही है। ठीक है, तो अंदर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग अपने दोस्तों से और उस्तादों से। आपको आगे सबका घुमाते हैं हम। अरे सामने बिल्कुल यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ये कॉरिडोर बना हुआ है, कॉरिडोर के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक और क्लास है जो जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ के नाम से, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ के नाम से जिस क्लास का नाम है, तो ये रही वो क्लास। आगे चलते हैं, आपको आगे का व्यू भी दिखाते हैं। आगे सारे स्टूडेंट्स अभी बाहर आए हैं क्योंकि क्लास ख़त्म हो गई थी एक, और दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है, उसमें 1 घंटा है, तो 1 घंटे का ब्रेक है, तो हमने सोचा कि ब्रेक के टाइम आपको पूरा सिम्बा घुमा देते हैं। कुछ पुराने दोस्त दिख गए हैं जो मुझे दूर से स्माइल पास कर रहे हैं, तो चलते हैं पहले उनसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिल गए कुछ दोस्त, मिस्टर राहिल, मिस्टर शाहिद और मिस्टर फराज, ये तीनों हमारे क्लासमेट्स हैं, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे हारमोनियम प्लेयर, ये तो बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं ये दोनों। ये भाई भी बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले करते हैं शाहिद भाई, और राहिल भाई तो बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट रिकॉर्डेड ही। मैं आपको बताऊँ कि ये हमारे सिम्पा के सबसे बेहतरीन गिटारिस्ट हैं, और ये इवन के हमारे जो ऑफिशियल टाइम खत्म होता है उसके बाद गिटार की ट्रेनिंग देते हैं तमाम के तमाम स्टूडेंट्स। ये हमारे टीचर हैं। नहीं भाई, हम दोस्त हैं, आपका छोटा भाई हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। तो चलते हैं हम दूसरे दोस्तों से भी मिलते हैं। ये मेरा दोस्त ईशान जो कल आपसे मिले थे, कल भी सेम तो पड़े थे। कोई मसला नहीं है। और ये देखे लेजेंडरी आर्टिस्ट हमारे सिंध का लेजेंड जी सजाद अली, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको अपने फैंस से मिलाने जा रहे हैं, आपको बहुत सारे फैंस हैं जिनको हमने बताया था कि हम लेजेंडरी आर्टिस्ट सजाद अली से मिलने जा रहे हैं, तो लोगों ने बोला कि हमें मिला देना, और वहाँ कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को। बड़ी मेहरबानी है आपने, हमने ऑडियंस से बुलाया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Okay.
हमारी ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप कहेंगे तो हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे, सपोर्ट मिल जाएगी हमें। बड़ी मेहरबानी है जो हमारे ऑडियंस, हमारे कलाकार हैं, उनको ये गुजारिश है कि ये हमारा भाई है, भाई का यूट्यूब चैनल है उसका सागर के नाम से जो है यूट्यूब चैनल, भाई को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और क्या लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मुझे कुछ और भी दोस्त मिल गए थे यार, वो बोलो पाए जवान कितना मत होते भाई सरकार का मिल गया। तो ये मेरे दोनों दोस्त मुझे मिल गए, कल से शाम मिले थे यार, वो सिखा दूंगा सारी चोर से कर दूंगा के घर गए थे, लेजेंडरी आर्टिस्ट शमा अली मिला लेंगे सिराज मिराज का जवान भाई। और यहाँ पर और भी दोस्त हमें मिलते जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट और साथ में दो दो फराज मिल गए हमें, मुझे और ये भी फराज है, इनका भी नाम फराज है, चोटिया इसका मतलब है, इन्होंने पोनी बांधी हुई है और इसके बाल खुले हुए हैं, उसने कैप पहनी है। तो हमें सरदार मिल गए थे यहाँ पर, तो हमने सोचा कि आपको भी सरदार जी से मिला देते हैं। सरदार जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब कर दें? बोल दें बस। थैंक यू सो मच सरदार जी, थैंक यू सो मच। तो अमित भाई के मेहमान थे ये, अमित भाई जिससे आप कल मिले थे मेरे व्लॉग में, ये है अमित भाई। और साथ हमारे उस्ताद उस्ताद मोहतरम उस्ताद तुफैल रहमान भलाई। सर कैसे हैं आप? सर आपकी दुआ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। क्या चल रहा है आजकल, आप इतना जल्दी आ गए? पूरे सिल से हमारे जो गाने वाले और मौसीकी से प्यार करने वाले, और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है, हमारे सिंगर्स भी हैं, और ऊपर से बरसात भी आ रही है, मौसम मतलब आज कर रहे हो छपाटन लौंडा जो मेरे भी लोग में आपने देखा होगा छपाटन लौंडा, तो ये वो था छपाटन लौंडा। तो मुझे मेरा एक और दोस्त मिल गया था जो कि हामिद राजपुर, वी आर एट सिम्पा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। मेरे साथ बहुत अच्छे टैलेंटेड मेरे प्यारे दोस्त छोटे भाई जवाद अहमद साथ हैं, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, आजकल इनको बड़ा वायरल देखा हमने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जेलेसी होती है लेकिन फिर भी अपना भाई है। नहीं नहीं यार, जेलेसी किस बात की भाई, करना हमारा फर्ज है। इंसान की नेचर जो होती है ना, वो डिपेंडेंट होती है दो चीज़ों पर, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। आप क्या चाहते हैं अपने दोस्त के लिए, सच्चे दिल से चाहते हैं, उसको कामयाब देखना चाहते हैं, तो उसके लिए दुआएं करें, उसके लिए फेवर दें, उसके लिए रास्ते आसान करें। थैंक यू सो मच हामिद, थैंक यू सो मच। सो ये मैं भी व्लॉगर हूँ लेकिन अभी शुरू नहीं किया मैंने, अब मैं शुरू करूँगा जवाब को देख के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मुझे मिल गए थे मेरे उस्ताद जो कि सिम्पा में हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं, उस्ताद खादिम शकीर अली, जो कि सिंध का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े कंपोजर, बहुत बड़ा नाम है जिनको, तो आपने तो देखा ही होगा। दोस्तों खुश आए सबके कम नहीं है जवाब फकीर, सच लफकार, ये बहुत अच्छा ढोलक नवाब, बहुत अच्छा सिंगर, मतलब नॉर्दर्न एरिया के बहुत बड़े नाम है ये दोनों। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जवाब हमारा प्यारा भाई है बोला शफा दे, बहुत अच्छा। तो अभी जा रहे हैं हम क्लास के तरफ, ये सीखने जा रहे हैं, मैं सिखाने जा रहा हूँ इनको, और माहौल बनाने जा रहे हैं, चुप करके बैठेंगे वरना बाहर निकाल देंगे, जैसा कि हम अपने क्लासों में करते थे, दोस्तों के पॉलिटिकल साइंस भी बैठते हैं कभी उसमें कभी उसमें, सीखने के लिए। और जैसा कि उसने कहा था हर क्लास में बैठो और सीखो। अभी मैं क्लास में नहीं था, सर के साथ बैठे हुए थे, रिहर्सल्स कर रहे थे, तो भाई वालों ने बताया कि सर बहुत गुस्से में थे कि मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है, जो सिखाया है, जाया कर दिया आपने कुछ। ये चेहरे हैं वो दोनों जिन्होंने जाया किया। पहले तो ये छपाटा लौंडा जो आपने देखा हुआ है मेरे ब्लॉग में, नहीं मुल्क में वो तो बहुत अच्छा है, वो छपाटर के काम होंगे सारे, उनको छपाटर के काम होंगे, सबको भेजूंगा जी भाई। और इस भाई ने हमें भी जाया कर दिया, खुद को भी तबाह बर्बाद कर दिया है, लेकिन अभी तक
एक बात याद रखना, शागिर्द का काम क्या होता है, उस्ताद के वक्त को तबाह कर देना। तो मतलब हम सब ने मिल के, इनमें से नहीं हूँ ये हमसे थोड़ा आगे है चार में, ये जुगनू भाई, ये देखे निराल जब ये निकलते बाथरूम में निकलते बाबा, ये हमारे सच में कुछ दोस्त और वो हमारे वहाँ के संपा के मकोड़े जा रहे हैं। बाबा, ये हमारा मूर्ख महबूब, इसकी म्यूजिक में भी मूर्ख है। ये क्यों भाग, दूर दूर भाग रहे हैं, जिसका व्लॉग है वो फ्रेम ऑफ है, इसलिए रानी बाग में गए थे ना, तो वहाँ फराज रो रहा था और गालियां भी दे रहा था। फराज की हालत टाइट थी, वो तो फराज यार कुछ होने नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हाँ उसकी शक्ल दिखानी चाहिए, उसकी आवाज मत दिखाना बिल्कुल। तो हम आपको ब्लॉग में, हमारा एक दोस्त है जिसकी हम शक्ल दिखाएंगे, अगर उसको बुरा ना लगे, पर हम जरूर दिखाएंगे आपको कि अभी उसकी शक्ल देखना, जैसे कि ये देखे कैसे चीखे कर रहा था भाई, जान उसकी तो जान निकल दी थी। जैन भाई छा है ना कि स्टूडेंट छो ना है, मेल स्टूडेंट छो ना है ना कि अच्छा आशिक मानो अलग ने काम है, आशिक ने ऐसा नरम दिल है, जोकरन के नरम दिल जोकर न था, और बंद के लेके तो ऐसा और ने वो कम था दादू और देखा है। अच्छा जोकर भरी तो आज। तो जैसा कि आपने देखा, आज सिम्पा में माहौल बना हुआ था कल की तरह, जैसे कल मेरे व्लॉग में आपको दिखाया था, आज कुछ और माहौल था, क्योंकि आज इंडक्शन क्लास ही, तो सारे बड़े बड़े सिंगर्स सेलिब्रिटी सब आए हुए थे इंडक्शन क्लास लेने। सो अभी सिम्पा बंद हो रहा था, मैंने भी अपनी क्लास दी, मैं यहाँ पर गिटार सिखाता हूँ बेसिकली, जिसको सीखना हो आ जाए। तो अगर कोई अगर सीखना भी चाह रहा है तो वो यहाँ पर आके इनरोल करा सकता है खुद को। तो इस बात से हम अपना व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।